हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल माय नेम इज़ रोहित इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इम्पोर्टेंट पोर्टल्स ऑफ 2021-2022 ट्वेंटी वन टू थाउजेंड के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स हैं हमारी सरकार के वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ हर एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन एंड मैक्सिमम अप टू थ्री टू फोर क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं, मिलते हैं इसमें 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 2022 के मैंने जून तक कवर किया है तो शुरुआत करूंगा मैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यूब है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के वीडियोज़ इन फ्यूचर लाइक like, अभी अलग टॉपिक्स रहते हैं जैसे हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हो गए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्ससाइजेज होगी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स होगी तो इस तरीके की वीडियोज़ भी मैं इन फ्यूचर जरूर शेयर करूँगा अगर आपको इस तरीके का आज ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो देखो जितनी चीज़ें एग्जाम में रेलिवेंट क्या क्या पूछा जा सकता है देखो जनरली आपसे पोर्टल का नाम कई बार पूछा जाता है एंड आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक चीज़ ये पूछी जाती है सेकेंड पॉइंट कई बार ये पूछ लिया जाता है आपको पोर्टल का नाम दिया जाता है पूछा जाता है कि इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया तो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्टल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस सुपेस इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2021 में ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था हमारे चीफ जस्टिस एस ए बोबडे एंड आज के दिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी हुई है आज मैं अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं देखो कल करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे बट अभी ही मैं आपको इस वीडियो में आज ही बता देता हूं हमारे न्यू चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित जी बन चुके हैं फोर्टी नाइन्थ सी बने हमारे इंडिया के उदय उमेश ललित तो ये नाम आप रट लीजिए अब एंड एक चीज़ है कि आपको ये नाम आज रटना है एंड एक दो महीने बाद आपको इसे बुलाने में लगभग नवंबर मंथ में इनका रिटायरमेंट भी हो जाएगा क्योंकि इनकी एज लिमिट पूरी हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यू नो सिक्सटी फाइव ईयर्स मैक्सिमम रहता है तो इनको फिर इनका टेन्यर भी खत्म हो जाएगा ओके तो कुछ टाइम के लिए आए हमारे फोर्टी नाइन्थ उदय उमेश ललित तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है एंड इस पोर्टल की अगर हम बात करें इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लॉन्च किसने किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इन्हें शब्द किसने दिलाया ये आप याद रख लीजिएगा ये भी एडिशनल मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए इन्हें शब्द हमारे प्रेजेंट दिलाती हैं एंड अभी हमारी न्यू प्रेज प्रेजेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू ओके okay, वो आप याद रख लीजिएगा संथल ट्राइब वो इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट ट्राइबल वूमैन जो बनी है ओके okay, ये एडिशनल डेटा आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इज़ द टूल दैट कलेक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक इट अवेलेबल टू द जज बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो अप करने के लिए जितने भी पेंडिंग केसेज वगैरह हैं सुप्रीम कोर्ट की एफिशंसी बढ़ाने के लिए ये इसे लॉन्च किया गया ये आप यहाँ पर याद रखें तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट पोर्टल आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड पोर्टल हमारा प्रबल प्रबल किस के द्वारा लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया इसे लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है जी अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर आप लोग बिल्कुल जानते हो राजनाथ सिंह बट इसके साथ अभी डिफेंस सेक्रेटरी कल के दिन ही मैंने आपको बताया आप लोग जानते हो हमारे जी सतीश रेड्डी वो कौन है जी जी सतीश रेड्डी हमारे डी के चेयरमैन थे अब उनका जो उनको अब बना दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह का लाइक डिफेंस सेक्रेटरी बने तो जी सतीश रेड्डी वो आप याद रख लीजिएगा प्रबल पोर्टल अब इसका क्या है, काम है डिफेंस अकाउंट पोर्टल द्वारा यानी कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लॉन्च किया गया आईटी टी एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम टू इंश्योर डेट डोमेस्टिक डिफेंस सप्लायर्स गेट पैन पेमेंट्स विदाउट डिले तो पेमेंट रिलेटेड है लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया ये या आपने याद रखना है आगे बढ़ते हैं स्पर्श पोर्टल स्पर्श पोर्टल भी रिलेटेड टू पेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन लाइक सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन स्पर्श की फुल फॉर्म है इसे लॉन्च किया गया था 2021 में अगेन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ऑब्जेक्टिव क्या है इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ एंड सेंक्शन ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन ओके तो पेंशन के रिलेटेड है स्पर्श भी आप याद रख लीजिएगा एंड अगर मैं प्रबल की बात करूँ तो ये भी इज लाइक रिलेटेड टू पेमेंट सी है ये भी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था आपको एक याद होगा अगर आपको याद है वेल मैं बता देता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए एक पदमा पोर्टल भी लॉन्च किया गया वो लाइक स्पेसिफिकली इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए ही लॉन्च किया गया पद्मा पोर्टल वो भी उनकी पेंशन के रिलेटेड है तो वो एडिशनल आप याद रख लीजिएगा वो अभी कुछ महीनों पहले लॉन्च किया गया था पदमा ओके एक्सलरेट एक्सेलरेट विज्ञान विज्ञान से नाम आपको पता चल गया इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे लॉन्च किया गया था 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जैसे जो आपको याद रखने ही रखने एट एनी कॉस्ट चाहे वो 2015 के क्यों ना हो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे किसके द्वारा लॉन्च किया, गया, किया गया, गया था इसे लॉन्च किया गया बा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो ऑब्जेक्टिव नाम से ही आपको इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कुछ चीज़ें एज ए नेम सजेस्ट आपको पता चल ही जाता है तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसे बेसिक हाई एंड रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो इसे लॉन्च किया गया था जो भी हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक्सलेट विज्ञान लॉन्च किया गया था आगे बढ़ते हैं ई दाखिल पोर्टल ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कम्युनिकेशन द्वारा जो मिनिस्ट्री है इसकी जो इस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी ग्रीवेंसेज रहती हैं हम लोग जैसे हम कस्टमर हैं हमारा कोई भी रिड्रेसल है कोई भी ग्रीवेंसिस रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट तो वो हम इस ई दाखिल पोर्टल में लाइक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हो तो ई दाखिल पोर्टल देखो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ई दाखिल पोर्टल किसके रिलेटेड है क्या करेगा कि इस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया तो ये आपको पता रहना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यू जियो प्लानिंग पोर्टल इसका नाम है युक्त धारा युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल युक्त दारा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दिस पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर का नाम भी गिरिराज सिंह देखो अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था देखो मनरेगा आप लोग जानते हो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गर गारंटी एक्ट उसके जितने भी एसेट्स रहते हैं अब उसके एसेट्स में क्या रहेंगे देखो जितने भी लाइक like, कंस्ट्रक्शन uh, के एसेट्स होंगे दे लॉट ऑफ थिंग मशीनरीज एंड दिअर इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं तो उनका बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी डेट इज युक्त धारा उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना एंड वो सारी चीज़ें डेटा को मैंटेन करना तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था नेम ऑफ दिस पोर्टल युक्त धारा इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना है इसके रिलेटेड आगे बढ़ते हैं आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग आसीम पोर्टल फुल फॉर्म काफ़ी रेयर रहता है कि जब वोस्ट केस हो जाता है कि एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म ही इतनी बड़ी पूछ ले बट पोर्टल का नाम आपसे पूछ सकता है एंड रिलेटेड इसका काम क्या है एंड इसकी मिनिस्ट्री क्या है वो आपको याद रखनी है 2021 के एंडिंग दो लाइक 6 दिसंबर को लॉन्च किया गया था इसे अब इसमें क्या है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लॉन्च किसने किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रनरशिप महेंद्र नाथ पांडे इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था एंड अब इसमें आ... इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना डट मैचेस सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स एंड विद द मार्केट डिमांड्स देयर बाय फैसिलिटेटिंग बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी स्किल्ड मैन पावर टू द एम्प्लॉयर्स बेसिकली देखो एम्प्लॉयर्स भी जो भी अब हम लोग जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं जो जॉब प्रोवाइड करते हैं एंड जो लोग जो जॉब सीख करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसा पोर्टल जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है जिस तरीके की वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो उस इस आसीम पोर्टल में वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब प्रोवाइड जैसे आपने किसी को जॉब प्रोवाइड करनी है आपको कुछ पर्टिकुलरली रिलेटेड डेट वर्क लेबर चाहिए तो आप वहाँ पे जाएंगे आपको पूरा डेटा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आत्मनिर्भर स्किल्ड लेबर इम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग ये पोर्टल आपने याद रखना है आगे बढ़ते हैं शर्म शक्ति पोर्टल एंड शर्म साथी ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल ये पोर्टल्स हैं इसे लॉन्च किया गया था लाइक गोवा में लॉन्च किया गया था ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 का ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू हेल्प इन स्मूथ फॉर्मलेन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स तो माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड जितने भी ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना है दे रिलेटेड थिंग्स वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं डेट इज शर्म शक्ति पोर्टल एंड शर्म साथी पोर्टल ट्रेनिंग ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल तो मिनिस्ट्री याद रखें ये आपने यहाँ पर याद रखना है आगे बढ़ते उसके बाद हमारा जी सर्विसज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओ आप लोग जानते हो कोविड के दौरान तो ई कंसल्टेशन काफ़ी ज़्यादा लाइक like पिक पे था आप uh, इवन कुछ डॉक्टर्स ने भी जो फिज़िकली uh, देखते थे उन्होंने भी ऑनलाइन ओ वगैरह स्टार्ट किए थे लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो हर सर हर ये जनरली हिमाचल में देर लॉट ऑफ वो आपको याद नहीं रखनी है कि कहाँ कहाँ ई संजीवनी पोर्टल स्टार्ट किए गए थे जिसमें वो सारी चीज़ें यानी कि ऑनलाइन कंसल्ट करते थे ओ जो चलती थी वो ऑनलाइन वैसे करते थे बट वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी बट ये नेशनल वाइड है ये आपने याद रखना है सर्विसज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओ पी डी तो इसे लॉन्च किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा यह बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था इस पोर्टल का दिस पोर्टल प्रोवाइड टेली मेडिसन सर्विसिज टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वेटेर एंड देयर फैमिलीज़ यानी कि जितने भी आर्मी के पर्सनल्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं एंड उनकी फैमिलीज़ को वो सारी टेली लाइक ई असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है यानी कि ऑनलाइन ओके इसमें हर कोई नहीं कर सकता था बट आर्मी पर्सनल्स उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी नेक्स्ट हमारा जी बाल सवराज कोविड बाल स्वराज कोविड केयर लिंक ये पोर्टल है जी जिसे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो मिनिस्ट्री है इसकी है जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था बाल स्वराज कोविड केयर लिंक इसका ऑब्जेक्टिव था ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन हु आर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन तो जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए कोई भी शियल रिक्वायरमेंट्स चाहे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन तो वो इसमें ये डेटा था तो वहां पे ये सारी चीजें वहां पे इसकी डेटा को उठाया जाता था एंड हेल्प की जाती थी तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसकी मिनिस्ट्री राइट नाउ स्मृति ईरानी है नेक्स्ट करते हैं जी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी कि सेज ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एट दैट टाइम श्री थावरचंद गहलोत थे बट प्रजेंटली अगर मैं बात करूं कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वरिंदर सिंह तो वो आपको याद रखना है एंड इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था नेम ऑफ दिस पोर्टल इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट विल भी वन स्टॉप एसेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप बेसिकली सीनियर सिटीजनस के लिए ही है ये आपको यहाँ पर याद रखना है सेज पोर्टल डेट फॉर सीनियर सिटीजन्स वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल्स जिसे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाले दिन इसे लॉन्च किया गया था जिस दिन नॉन वायलेंस भी हम ऑब्जर्व करते हैं जिसे लॉन्च किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जिसका नाम है मिनिस्टर का नाम है श्री भूपेंद्र सिंह यादव ओके okay. ऑब्जेक्टिव क्या था इट्स अ सिंगल पॉइंट एसेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेट अभी वेटलैंड का रामसर साइट्स जिनकी हम बात करते हैं यू you नो know, अगर अभी प्रेजेंटली वेटलैंड्स कितनी है काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हो चुका है पिछले एक दो हफ्तों में ही देखा जाए तो काफ़ी नंबर बढ़ चुका है जितना हमने अभी आज़ादी का चित्रवां स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया तो उतने हमारे पास राइट नाउ वेट लैंड इन डेट मीन हमारे पास राइट नाउ सेवेंटी फाइव वेट हैं ओके एंड सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वेट लैंडस हैं तमिलनाडु में एंड यू नो यू विल बी सरप्राइज कि तमिलनाडु में दो हफ्ते पहले एक भी नहीं था एंड आज वो नंबर वन पे है ओके okay? फोर्टीन है उसके पास एंड फॉलोड बाय यूपी उसके पास टेन है ओवरऑल मैं बात करूं सेवेंटी फाइव है यूके ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा वेटलैंड रामसर साइड हैं वन सेवेंटी फाइव तो ये आप याद रखें वेटलैंड डे हम सेकेंड फेबररी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे आगे बढ़ते हैं ई अमृत एक वेब पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वेब पोर्टल है ओके इसमें इसके बारे में बेसिकली आ, बात भी की थी कॉप ट्वेंटी सिक्स जो समिट हुआ था ग्लास ग्लो में ओके ये आप याद रख लीजिएगा जिसे लॉन्च किया गया था यूके हाई लेवल कमेटी एक्शन चैंपियन निगेल टोपिंग एंड नीति आयोग एडवाइज़र लाइक ज्योतिष ये सारे नाम आपको यहाँ पर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है याद रखने की रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है किसके द्वारा अथॉरिटी को लॉन्चिंग अथॉरिटी नीति आयोग के अंडर है एंड uh, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी आपके डाउट्स वगैरह उनके परचेज़ के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सब्सिडीज़ पॉलिसीज़ रिलेटेड इन्फार्मेशन सब आपको ई अमृत पोर्टल के अंदर मिल जाएगा एंड यू नो कॉप ट्वेंटी सेवन सबमिट इस साल जो होगा वो कहाँ पे होगा वो इजिप्ट में होगा अल अलशरम शेख सिटी इजिप्ट में होगा दो लाइक बाईस का जो कॉप ट्वेंटी सेवन होगा आगे बढ़ते हैं माई ई वी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑनलाइन पोर्टल इसे लॉन्च किया गया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली दैट इज दिल्ली में से लॉन्च किया गया था इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही है जिसमें आप जितनी भी जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू परचेज ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ऑटोज़ इन द सिटीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लाइक like, आपको सब्सिडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी कि माई ई वी डेट इज़ माई इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑनलाइन पोर्टल आगे बढ़ते हैं जी जग बा uh, जग भागीदारी इम्पावरमेंट पोर्टल जन भागीदारी बेसिकली जन भागीदारी इम्पावरमेंट पोर्टल इसे लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा एंड 2022 में इसे लॉन्च किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इट इज़ अ वन स्टॉप इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली डिजिटल पोर्टल डैट प्रोवाइड ऑल डिटेल इन साइड टू द पीपल इन टू द नेचर स्टेटस एज वेल एज द नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्कस डेट आर बींग एग्जीक्यूटेड इन देयर एरिया यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट लाइक प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स बेसिकली उनके एरियाज में चल रहे हैं तो वो जगह जन भागीदारी पोर्टल इंपावरमेंट पोर्टल एंड इसके रिलेटेड लाइक लेबर जो भी लाइक इंटरेस्टेड रहता है अब देखो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ क्या ये यूथ के लिए क्या जॉब प्रोवाइड करता है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता बट इतना है कि रिलेटेड फील्ड आपको पता चलेगा कि हाँ इतने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ रिक्वायरमेंट है तो इंपावरमेंट पोर्टल है बेसिकली जन भागीदारी एज द नाम सजेस्ट ये आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नमस्ते पोर्टल नमस्ते पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था देखो नमस्ते पोर्टल एक स्कीम भी है इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है नमस्ते अभी जो हमारे लाइक यू नो जो सेवेज सेप्टिक टैंकर्स जो आपके सेप्टिक टैंक्स वगैरह स्टार्ट लाइक जिनकी साफ़ सफाई होती है उनके रिलेटेड भी इसे लॉन्च किया गया था जिसमें लाइक like, बेसिकली वो स्कीम थी जिसके तहत सरकार ये चाहती है कि uh, टैंक्स की सफाई हो आपके वॉशरूम्स के जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनकी साफ सफाई हो बट ह्यूमन इंट्रैक्शन बिल्कुल कम हो एंड पाँच सौ ऐसी सिटीज़ हो भी चुकी हैं जो ऐसा काम करती हैं यानी कि रोबोट्स की हेल्प से उसे साफ सफाई करती हैं एंड ये दिस इज़ द नमस्ते पोर्टल इसे नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडरइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रिक पोर्टल नमस्ते पोर्टल इसकी फुल फॉर्म है पूरी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है नमस्ते ही याद रखो 2017 में इसे लॉन्च किया, तो कि किया गया था देखो कितना पुराना है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है सेकेंड आयुर्वेदा डे वाले दिन इसे ऑब्जर्व ओब्जर्व लॉन्च किया गया था ओके उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है दिस प्रोवाइड दिस पोर्टल प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज एंड मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसन्स तो रिलेटेड पूछ सकता है कि आपको किसके रिलेटेड है आयुर्वेदा के रिलेटेड है ये इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना नमस्ते पोर्टल आगे बढ़ते हैं सेक्रेट पोर्टल सेक्रेट पोर्टल इससे लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसके मिनिस्टर डॉक्टर वरिंदर सिंह इसका प्रपोज क्या इसका जो पर्पज है मेन बेसिकली द मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज़ ब्रिंगिंग द एम्प्लॉयमेंट सेक सिटीजन इन टू सेक्रेट पोर्टल सिटीजन जो भी इंप्लॉयमेंट की सीख कर रहे हैं स्टार्ट तो है, पोर्टल. पोर्टल किया गया था इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है आइडिया ऑफ तपस वॉज कंसेप्चुलाइज एट द टाइम वेन एक्सप्लोरिंग द ऑनलाइन मीडियम फॉर वर्क एंड एजुकेशन बेसिकली यू नो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो रिलेटेड यही इसका जो बेसिक एजेंडा इसके रिलेटेड था कि ऑनलाइन मीडियम फॉर वर्क एंड एजुकेशन हैज़ बिकेम इम्पेरेटिव ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक तो तपस इज अ पोर्टल दैट हैज लाइक लाइक जिसका इसका बढ़ावा देने की बात की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये आप यहाँ पर याद रखें चैम्पियन पोर्टल चैम्पियन पोर्टल स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लाइक बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रख लो चैंपियन पोर्टल था इसे एमएसएमई द्वारा लॉन्च किया गया था इज अ हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ ओके फुल फॉर्म है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्राइव कंट्रोल कम मैनेजमेंट इंफॉमेशन सिस्टम विच विल यूटिलाइज मॉडर्न इंफॉमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल टूल्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एम एस एम ई सेक्टर्स के लिए हम मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आई सी टी टूल्स को अपना के उसे ज्यादा और ज्यादा बढ़ा सकें प्रोडक्शन को बढ़ा सकें मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ा सकें यानी कि डिजिटली चीज़ों को करने की आईसीटी टूल्स को यूज़ करके एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात की थी चैम्पियंस पोर्टल्स के रिलेटेड उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट हमारा है विद्यालक्ष्मी पोर्टल विद्यालक्ष्मी पोर्टल इस, इसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया था इसका पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें आ, लोन स्कीम वगैरह प्रोवाइड किया जाता था स्टूडेंट्स को जो भी हायर स्टडीज़ के लिए जो आगे जाना चाहते हैं एंड फॉर स्टडीज रिलेटेड था विद्या लक्ष्मी पोर्टल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा स्टार्ट किया गया था सो so गाइज़ ये रहे जी आज का हमारा वीडियो इसमें मैंने लगभग 20 से 25 इंपॉर्टेंट पोर्टल्स कवर किए यकीन मानो इनमें से आपके हर एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्जाम में जाने वाले बैठने वाले आपको एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है एंड एक क्वेश्चन तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ अगर आप 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक क्वेश्चन अपना स्कोर कर सकते हो तो इसमें आपके दो तीन क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बारी दो क्वेश्चन भी पूछ लेता है एक बार डायरेक्ट पोर्टल का पूछ लेगा कई बारी पूछ लेगा कि रिलेटेड फील्ड बता दो या किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया तो ये था जी कंपाइलेशन इंपॉर्टेंट पोर्टल्स का दो हज़ार का आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप इसे एक दो बार रिवाइज़ कीजिए एंड एग्ज़ाम में पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है तो देन आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से बन जाएगा मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ आप अपने वीडियो को आपको कैसा लगा आपके लाइक से मुझे आइडिया लगेगा अगर अच्छे लाइक्स आते हैं तो फ़ॉर श्योर बाकी वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड स्कीम्स लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कवर कर सकते हैं बट uh, अगर आप सपोर्ट करेंगे थैंक यू गाइज टेक केयर सी यू सोन